हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज। मिक्स वेज के लिए हमारे पास वेजिटेबल्स हैं। कैरेट ले रखी है मैंने, 3-4 के करीब ये कैरेट है। शिमला मिर्च भी 3-4 है। ये मशरूम है और बीन्स भी ले रखी हैं 3-4 के करीब। ये मशरूम है, पीसेस जो होते हैं वो लिए हैं। ये गोभी ले रखी है, छोटा सा इतना सा फूल है जो वो है। पोटैटो 2-3 के पोटैटो लिए हैं। ये लहसुन और अदरक हैं। 2 प्याज ले रखे हैं, इनको हम ग्राइंड करेंगे। ये 2 टमाटर हैं और हरी मिर्ची आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जितना आप तीखा चाहते हैं वो आप डालिए। और ये ऑयल जाएगा इसमें, तो ऑयल मैंने इसमें डाल लिया है। अभी हम गैस को ऑन कर देंगे। तेल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएंगे इसमें कैरेट, इसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च को। इसको भी 2 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे हम। अभी हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम और बीन्स को। मशरूम जो है वो जल्दी ही पक जाती है, गाजर थोड़ी हार्ड होती है, इसमें टाइम लगता है, तो इसको मैंने पहले डाला। शिमला मिर्च को फिर डाला, फिर मशरूम और बीन्स जो है, बीन्स को भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो साथ ही साथ ही डाल दिए मैंने उसको भी। इसी में ही अब हम ऐड कर देंगे गोभी को साथ में। इधर जब तक ये हमारे फ्राई हो रहे हैं अच्छी तरह से, तो इधर हम प्याज का उसका पेस्ट बना लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है और पोटैटो भी हमारे थोड़े थोड़े भून चुके हैं, तो अब हम इनको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। वेजिटेबल को हमने निकाल लिया है, तेल हमारा फिर भी इसमें है। अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं, मुझे ये सफिशेंट लग रहा है। तो मैं अभी इसमें डालूंगी ये क्यूमिन सीड्स, 1 चम्मच के करीब है ये। थोड़ा सा ये सोटे हो जाए तो इसमें हम जो हमने ग्राइंड किया हुआ अनियन है उसको ऐड कर देंगे। जीरा हमारा भुन चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन की प्यूरी को। जब तक हमारा प्याज इधर अभी भुन रहा है, तो इधर हम अभी ये लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेंगे, और साथ में ही ये हरी मिर्ची और टमाटर को भी साथ में ही हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए प्याज जो है वो हमारा भुन चुका है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट जो है मैंने बना डाला है अभी, इसको ऐड कर देंगे अभी हम। इसको चलाएंगे अच्छी तरह से, और इसको तब तक हमने पकाना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे अपना। जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ेगा तब तक ये मसाला हमारा पककर नहीं तैयार होगा। इसी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। देखिए मसाले को हमने स्लो फ्लेम पे ही रखना है, लो फ्लेम पे रखेंगे कि नहीं, तो अगर हम तेज फ्लेम पे रखेंगे तो हमारा मसाला जो है वो जल जाएगा, तो इनको हम लो फ्लेम पे ही पकने देंगे। और इसको ढक कर अभी हम पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट पकने के बाद अभी हम इसमें ये पीस जो हैं वो भी मैं डालूंगी, 1/2 कटोरी के करीब मैंने ये पीस लिए हैं। तो फिर से मैं इसको ढक दूंगी और 2-3 मिनट के लिए अभी और पकने दूंगी। देखिए मसाला भी हमारा थोड़ा थोड़ा अभी भुजना शुरू हो गया है, और अभी हम इसमें 2 चम्मच जो हैं वो मलाई के ऐड करेंगे।
अभी हम इसमें मसाले को डालेंगे। ये भी हमारी हल्दी एक चम्मच हमने डाला है और आधा चम्मच और डाल दिया है। अभी जाएगा इसमें नमक जो आपके स्वाद के अनुसार रहेगा। इसमें मैं डाल रही हूँ इसमें 2 से 2.5 चम्मच इसमें नमक जाएगा। और इसमें जाएगा गरम मसाला और इसमें जाएगा धनिया पाउडर, ये डाल देंगे अभी हम 1 चम्मच के करीब जो है धनिया पाउडर। सारे मसालों को अभी हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अभी इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी जो 1 चम्मच के करीब रहेगा, वो भी हमने ऐड कर दिया है। इसको भी मिक्स कर देंगे अभी हम। 2 मिनट इनको अच्छी तरह से पकने के बाद अभी हम इसमें जो हमने फ्राई करी हुई थी ये सारी वेजिटेबल्स इसको ऐड कर देंगे। सब्जियों को बीच में मिक्स करने के बाद अभी हम इनमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको पकने के लिए अभी हम रख देंगे, ढककर पकाएंगे इनको, ताकि हमारी सब्जी भी जो है लो फ्लेम पे पकाएंगे और हमारी सब्जी जो है नीचे ना लगे। तो देखिए हमारी वेजिटेबल जो है बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसको परांठी के साथ खाइए और पूरी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, आपको ये बहुत टेस्टी लगेगी। जैसे आप शादियों में खाते हैं वैसा ही इसका फ्लेवर आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस पर लाइक और कमेंट जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय।